प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। नमस्कार, बिमला की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम जन्माष्टमी की भोग की थाली बना रहे हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं। जन्माष्टमी की भोग की थाली के लिए हम सबसे पहले मसाले सेक लेते हैं। ये हमने कलौंजी है उसको हम सेक लेते हैं, और ये चमसूर है इसको भी सेक लेते हैं इसी में डाल के, और थोड़ा सा ये खसखस है इसको भी सेक लेते हैं। एकदम धीमी आंच में हम इनको सेकेंगे। तीनों चीज को धीमी आंच पर सेक लिया है। अब हम थोड़ा सा घी डालते हैं, और उसमें हम ये कटी हुई नारियल को सेक लेते हैं। हमारी कटी हुई नारियल सिक चुकी है, इसको भी हम निकाल देते हैं। हम थोड़ा सा और घी डालते हैं, और ये कटे हुए बादाम सेक लेते हैं। इनको एकदम धीमी आंच में सेकना है, इसको भी हम निकाल लेते हैं, सेक चुके हैं। दाग को सेक लेते हैं, इसको किशमिश भी बोलते हैं, दाग भी बोलते हैं। इसको भी हम सेक लेते हैं घी में। किशमिश भी सिक चुकी है, इसको भी निकाल लेते हैं। घी डालते हैं, और हमें कटे हुए काजू को सेक लेते हैं। घी हमारे सिक चुके हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। अब हम ये खारा को सेक लेते हैं, कटे हुए हैं एकदम बारीक बारीक तोड़ लिया हमने इनको। इनको छुहारा भी बोलते हैं और खारक भी बोलते हैं। ये हमारे छुहारे भी सिक चुके हैं। चम्मच घी डालते हैं, और ये हमने मखाने को काट लिया था, इनको सेक लेते हैं। खाने भी सिक चुके हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। हम इसमें डालते हैं आधा चम्मच घी, और ये धनिया पाउडर इसको भी सेक लेते हैं धीमी आंच में। धनिया भी सिक चुकी है, अब हम इसको गैस को बंद कर देते हैं। अब हम ये मखाने की खीर बनाने के लिए हमने आधा लीटर दूध ले लिया है, इसको हम पका लेते हैं अच्छे से। जब तक हमारी खीर के लिए दूध पक रहा है, जब तक हम गुड़ के लड्डू बना लेते हैं। हमने मसाले सेके थे, खसखस, कलौंजी और चमसूर, इनको हम दरदरा पीस लेते हैं। ये हमने दरदरा पीस लिया, इन तीनों को एक बाउल में डालते हैं। ये हमने एक कटोरी गुड़ ले लिया है, इसको हमने बारीक बारीक तोड़ लिया है, एकदम बारीक तोड़ा हमने। इनको डाल देते हैं इसी बाउल में। अब हम डालते हैं ये सौंठ पाउडर। ये सौंठ पाउडर हमने घर में ही बनाया था, ये हम इसमें डाल देते हैं एक चम्मच। हम इसमें डालते हैं खारक सेके हुए जो हमने सेका था घी में, दो चम्मच डाल देते हैं। दो चम्मच ये सिकी हुई नारियल कटी हुई है, ये दो चम्मच डाल देते हैं। दो चम्मच ये कटे हुए काजू सेके हुए हैं डाल देते हैं। दो चम्मच किशमिश सिकी हुई, दो चम्मच बादाम कटे हुए सिके हुए। अब हम इसमें डालते हैं ये तीन चम्मच देसी घी। हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं। हमने सारे मसाले अच्छे से मिला लिया है। अब हम थोड़ा सा लेते हैं हाथ में ये, और छोटे छोटे लड्डू बनाते हैं दबा दबा के ऐसे। हमने इतने छोटे छोटे लड्डू बनाए हैं, आपको हम एक और दिखाते हैं बना के। इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे गुड़ के। हमारा दूध पक चुका है, अब इसमें हम डालते हैं ये मखाने सिके हुए। थोड़ा सा हम डालते हैं चारूली, और दो चम्मच शक्कर, आधा चम्मच काजू सिके हुए, आधा चम्मच खारक, आधा चम्मच नारियल, आधा चम्मच बादाम, और थोड़ा सा किशमिश। खाने की खीर कृष्ण भगवान को बहुत ही पसंद है ये।
थोड़ा सा डालते हैं हमें इसमें इलायची पाउडर। खीर को और पकाएंगे 5 मिनट धीमी आंच पर। खीर बन चुकी है, अब हम गैस को बंद करते हैं। अब हम धनिया का प्रसाद बना रहे हैं। हमने ये धनिया पाउडर पहले सेक के रख लिया था घी से, ये ठंडी हो चुकी है। अब इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर, आप शक्कर भूरा भी डाल सकते हैं। डालते हैं हमें मखाने और थोड़े से बादाम, थोड़े से किशमिश और थोड़े से काजू और थोड़े से ही खारक। ये धनिया का प्रसाद बन चुका है, इसको रखते हैं हम। फरियाली सब्जी बनाने के लिए हम ये ले लिए हैं 5 आलू। हमने आलूओं को उबाल के छील लिया है, अब इनको हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। ये हमने आलूओं को इस तरह काट लिया है। हमने गैस में कढ़ाई रख दिया है। अब इसमें हम डालते हैं मूंगफली का तेल, आप घी भी डाल सकते हैं। दो तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी ये कटी हुई हरी मिर्च। हम डालते हैं ये कटे हुए टमाटर, हम डालते हैं ये उपास वाला सेंधा नमक। अब डालते हैं हम ये हल्दी पाउडर थोड़ा सा और थोड़ा सा ये धनिया पाउडर। डालते हैं ये कटी हुई आलू। हमने अच्छे से आलूओं को मिला लिया है, तो 5 मिनट तक धीमी आंच पर सेक लेंगे। हमारी फरियाली सब्जी आलू की बन चुकी है। अब हमने ये ले लिया है एक कटोरी कुट्टू का आटा, ये फरियाली आटा है, उपास का आटा है। अब हम इसको डालते हैं एक बाउल में और थोड़े थोड़े पानी डाल के इसका हम आटा गून लेते हैं। ये हमने आटा गून लिया है, पूरी जैसे हमने गूंथा है इसको, ना ही सख्त है और ना ही सॉफ्ट है। अब इसको हम 5 मिनट के रख देते हैं। अब हमने ले लिया है एक कटोरी में मक्खन, ये हमारा घर का मक्खन है, ताज़ा मक्खन है ये। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा मिश्री, इसका हम माखन मिश्री का प्रसाद बना लेते हैं। इसको मिला देते हैं अच्छे से। ये हमारा माखन मिश्री का प्रसाद बन चुका है। अब हम पंचामृत बनाते हैं, उसके लिए हमने ले लिया है थोड़ा सा कच्चा दूध और ये 2 चम्मच दही, थोड़ी सी पिसी हुई इलायची, थोड़ा सा कटा हुआ नारियल सिका हुआ, थोड़े से बादाम कटे हुए, थोड़े से मखाने, थोड़े से खारक और थोड़े से ही काजू, थोड़े से किशमिश और 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर। इन सभी को हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब डालते हैं ये 1 चम्मच गंगा जल, इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। अब डालते हैं हम ये तुलसी के पत्ते। ये हमारा पंचामृत बन के तैयार है। ये हमारा आटा सेट हो चुका है। अब इसको हम चकले में रखते हैं और थोड़ा इसका मसल लेते हैं। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयां बनाते हैं, एकदम छोटी छोटी। ये हमने लोइयां बना ली हैं। अब इसको हम बेल लेते हैं पूड़ियों को। ये हमारी पूड़ी बेल चुकी है, इसी तरह हम दूसरी बेलते हैं। इसी तरह हम सारी पूड़ियां बेल लेंगे। हमने गैस में कढ़ाई रख दिया था और हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। हमने मीठा मीठा तेल लिया है, मूंगफली का तेल है ये। अब इसमें हम पूड़ियां तलते हैं। भी तल चुकी है, अब हम दूसरी डालते हैं।
यह भी तल चुकी है। इसी तरह हम सारी पूड़ियाँ तल लेंगे। अब हम भोग की थाली तैयार कर रहे हैं। अब हम ये सजाते हैं थालियों को अच्छे से। ये देखिए हमारी जन्माष्टमी की भोग की थाली बनके तैयार है। आप भी बनाइएगा और भगवान को भोग लगाइएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हो तो बिमला के रसोई में अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।